वेलकम ऑल टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स डिकोडर। मैं आशुतोष इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे कि नेट में चांसेस रहते ही रहते हैं कि एक या दो क्वेश्चन या मिनिमम एक तो पूछता ही पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एडम स्मिथ का थ्योरी है, तो इसमें इसको पॉइंट वाइज बनाया है स्लाइड, ताकि आपको इसको पढ़ने के बाद दोबारा आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं एक एक पॉइंट को इसमें आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, ताकि आपको इसको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, पहला पॉइंट जिसमें इसमें हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, ये समझ रहे होंगे कि ये इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और उनकी एक किताब थी जो कि काफ़ी फेमस है, वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में आई थी। इन्होंने कहा था कि जो फिजोक्रेसी है वो जो है एग्जिस्टेंस में आया ड्यू टू मर्केंटलिज्म। तो देखिए, ये पॉइंट जो है समझने वाली है कि मर्केंटलिज्म होता क्या है। मर्केंटलिज्म में जो कई बैंकर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट और ये का बनाया हुआ एक थ्योरी है, जिसमें उन्होंने वो कहते हैं कि जो ट्रेड है प्रीसियस मेटल के हिसाब से, अगर प्रीसियस मेटल का जैसे मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड का जब इनफ्लो हो रहा है कंट्री में, यानी कि सरप्लस हो रहा है, तो उस कंट्री को उन्होंने माना कि रिच है, और जो आउटफ्लो हो रहा है, अगर गोल्ड का आउटफ्लो हो रहा है तो यानी उन्होंने माना कि ट्रेड का डिफिसिट हो रहा है। लेकिन उन्होंने फ्री इकोनॉमी की बात नहीं की यहाँ पे। फ्री इकोनॉमी का मतलब होता है कि जैसे फ्री मार्केट मैकेनिज्म का उन्होंने विरोध किया है एक तरह से। उन्होंने बताया कि नहीं, गवर्नमेंट को यहाँ एक्शन लेना पड़ेगा कि उस इम्पोर्ट को रोके और एक्सपोर्ट को प्रमोट करे। आप पिछले बार भी देखे होंगे कि नेट में भी एक क्वेश्चन आया था जीरो सम गेम, उसका मतलब क्या हुआ कि एक नेशन जो है तभी डेवलप कर पाएगा जब वो एक नेशन के मतलब को दबा के, यानी कहते एक नेशन को डाउनवर्ड करके एक नेशन जो है वो अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। यानी कहने का मतलब यही है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इम्पोर्ट को डिमोरलाइज करना है। उसके बाद कहता है, ये तो देखिए हो गया मर्केंटलिज्म की बात, उसने कहता है फिजियोक्रेसी। देखिए, फिजियोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक्स फ्रेंक्वाइस क्वेस्ने के द्वारा दिया गया था, जो कि 1750 से 1780 के बीच में ये टर्म जो है वो फेमस हुआ था, और ये ओरिजिनली जो है फ्रांस से ओरिजिनेट हुआ था। इस थ्योरी में है क्या कि उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर को हम मानते हैं कि वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें कैपेसिटी टू प्रोड्यूस करने की क्षमता ज़्यादा है, यानी कहने का मतलब जो इनपुट हम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा हमको आउटपुट मिलेगा। और इसमें उन्होंने कंट्री जो है अगर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो कंट्री को उन्होंने रिच माना, और जो कम प्रोड्यूस कर रहा है यानी जिसमें इनपुट कॉस्ट उनका कम आ रहा है वो कंट्री रिच हो गया, और जिसमें जो है इनपुट कॉस्ट ज़्यादा आ जा रहा है वो आपको क्या कहते हैं पुअर माना। अब हम आगे देखते हैं इसमें अगला पॉइंट है कि दे बिलीव्ड इन साइंस ऑफ नेचुरल लॉ। अच्छा, साइंस ऑफ नेचुरल लॉ क्या होता है? साइंस ऑफ नेचर लिखा हुआ है, यानी कि वो नेचर के द्वारा दिया गया है, यानी कि इसमें मैनमेड कुछ नहीं है, वो एकदम बिल्कुल नेचर या मैनमेड का कोई इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि एडम स्मिथ प्रपोजेस नेचुरल लॉ इन इकोनॉमिक्स अफेयर, समझ ही रहे होंगे मैंने अभी बताया आपको, एडवोकेट द फिलोसफी ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंट एक्शन। बिल्कुल, क्योंकि ये नेचर के द्वारा दिया हो तो मैनमेड इसका इंटरवेंशन नहीं होगा, कहने का बस यही मतलब है। फिर अगला पॉइंट है कि इफ़ एवरी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सोसाइटी इज लेफ्ट टू परस्यू हिज इकोनॉमिक एक्टिविटी ही विल मैक्सिमाइज द आउटपुट टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। देखिए, ये पॉइंट थोड़ी समझने वाली है। इसमें है क्या कह रहा है कि अगर हम किसी को फ्री छोड़ देते हैं, किसी के दबाव में नहीं छोड़ देते हैं, तो वो जो अपने हिसाब से जो प्रॉफिट गेन कर रहा है, और ऐसे ही इंडिविजुअल को अलग अलग इंडिविजुअल का प्रॉफिट अगर हम जोड़ेंगे, टोटल सम करेंगे, तो जो टोटल आपका जो सम आएगा तो वो जो होगा वो सबसे बेनिफिशियल होगा, यानी उससे जो सबसे ज़्यादा आउटपुट निकल के आएगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब यही है कि अगर एक एक इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा। फिर अगला कह रहा है ही ओपाइंस द डैट नेचुरल लॉ और सुपीरियर टू लॉ ऑफ स्टेट। देखिए, ये कहने का मतलब जो मैनमेड द्वारा बनाए गए लॉ है उससे बेटर है कि हम नेचुरल लॉ पे ही चलें। फिर उसने बात की है लेजर्स फेयर की।
लेजर्स फेयर का मतलब हम लोग पहले समझते हैं। लेजर्स फेयर का एडम स्मिथ ने क्या बताया है, एडम स्मिथ थ्योरी बेस्ड ऑन लेजर फेयर विच रिक्वायर्स दैट स्टेट शुड नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप बिल्कुल विदाउट गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से अपना काम कर रहे हैं यानी अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है कि द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेस्ट ऑन फॉलोइंग। देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन नेट में आ सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे है कि जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस किस पॉइंट पे रेस्ट करता है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में याद रहना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आया भी है और ये चांसेस है कि आ भी सकता है। तीन उन्होंने बताया है, पहला उन्होंने बताया सेविंग, दूसरा उन्होंने बताया डिवीजन ऑफ लेबर एंड वाइड एक्सटेंट ऑफ मार्केट। देखिए फिर अगला पॉइंट बोल रहा है कि सेविंग और कैपिटल एक्यूमुलेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो सेविंग है इसी सेविंग ही जो है कैपिटल को एक्यूमुलेट करेगा, यानी कि कैपिटल में आपको जो फल को जो इकट्ठा करेगा यानी कि जो फायदा दिलाएगा वो जो है वो आपका सेविंग ही है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने बताया कि सेविंग और कैपिटल एक्यूमुलेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। दूसरा है इनविजिबल हैंड दैट इज द फोर्सेस ऑफ कंपटीशन मोटिवेटेड बाई सेल्फ इंटरेस्ट बी अलाउड टू प्ले देयर पार्ट इन मिनिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेविंग फॉर डेवलपमेंट। ये देखिए वही पॉइंट है जो मैंने नेचुरल लॉ में डिस्कस किया है कि मतलब जो है वो आपको अगर विदाउट इंटरवेंशन अगर छोड़ दिया जाए, नेचर के लॉ पे छोड़ दिया जाए, तो आप जो है प्रॉफिट को है वो मैक्सिमम कर सकते हैं। उसमें लिखा है कि मिनिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेविंग, यानी कि सेविंग अगर आप कम करेंगे तभी ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, अगर कंजम्पशन करेंगे तो आपका क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक है, फिर इन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिया है जिसमें इन्होंने लिखा y इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल लेबर फोर्स एंड लैंड, यानी कि ये तीन चीज़ें जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, जिसमें पहला जो है उन्होंने बताया कि लेबर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का, और जो लैंड है लैंड को इन्होंने सबसे पैसिव माना है। पैसिव कहने का मतलब कि वो मूवमेंट नहीं है, वैसे भी लैंड को आप बढ़ा नहीं सकते, ये तो नेचर के द्वारा दिया गया हुआ है, ये आप कह सकते हैं कि इसीलिए उसको पैसिव वो माने होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि एडम स्मिथ रिगार्डेड लेबर को इन्होंने फादर बोला है, लैंड को मदर। देखना देखिए ये पॉइंट जो है आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये पूछ सकता है कि लेबर को इन्होंने क्या कहा, लैंड को क्या कहा, तो फिर हम दोबारा मैं पढ़ दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि लेबर एज अ फादर, लैंड एज अ मदर। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं, ये इन्होंने इसमें लिखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ सफिशियंट कैपिटल इज अवेलेबल। देखिए इन्होंने कहा टेक्नोलॉजी का इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये तभी होगा जब आपके पास सफिशियंट कैपिटल होगा यानी पूंजी होगी, तभी तो आप टेक्नोलॉजी को खरीदेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी को उन्होंने इंपॉर्टेंट माना, तो ये भी आपको पॉइंट रखना होगा, कभी कभी पूछ सकता है। तीन फैक्टर दिया जैसे कि बोला कि कैपिटल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं टेक्नोलॉजी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। फिर अगला पॉइंट इन्होंने देखा डिवीज़न ऑफ लेबर। देखिए ये इस थ्योरी में सेकेंड जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। देखिए ये दोनों आपको सेंटेंस ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि इसमें मीनिंग लग रहा है कि दोनों सेम है लेकिन अलग अलग है। पहला मीनिंग लिख रहा है कि द साइज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, साइज का मतलब कि आपके पास कितना प्रोडक्टिव लेबर है यानी उनकी क्वांटिटी क्या है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यानी जो साइज है वो कितना प्रोडक्टिव है यानी वो कितना कितना स्किल्ड को एक्यूमुलेट किए हुए हैं अपने। ठीक है, ये दोनों बात भी आपको याद रखना होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो कैसे डिटरमिंड होगा, ये बिल्कुल आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए। पहला पॉइंट मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ द साइज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री एंड विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए ये पॉइंट जो है समझने वाली है, इसमें क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो टेक्नोलॉजिकल के प्रोग्रेस पे, यानी कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करेगा तभी आपके जो लेबर होंगे वो प्रोडक्टिव होंगे, और वो लेबर कब प्रोडक्टिव होंगे जब आप डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर का कहने का मतलब कि लेबर को एक एक सीक्वेंस में बांट दीजिए। और इन्होंने देखिए अगला पॉइंट में ये लिख रहा है कि द एडम स्मिथ कंसंट्रेटेड अपॉन द सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, कंसंट्रेशन सोशल डिवीजन यानी सोसाइटी के हिसाब से आपको लेबर को डिवीजन करना है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि सोसाइटी में क्या नीड है, सोसाइटी में इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, तो देखिए इंजीनियर क्या करेगा भाई, कंस्ट्रक्शन में आपको हेल्प करेगा,
आपको टेक्नोलॉजी का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेगा, डॉक्टर क्या है आपका हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करेगा, टीचर क्या है एजुकेशन सेक्टर, और ये सब चीज़ जो ज़रूरी है, यानी कि जो सोसाइटी की नीड है उसके हिसाब से आपको डिवीज़न ऑफ लेबर करना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है थ्री बेनिफिट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। अच्छा देखिए, इसमें थ्री बेनिफिट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर की बात कर रहा है। पहला क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग डेक्सटेरिटी ऑफ वर्कर। देखिए डेक्सटेरिटी का मतलब होता है कि दक्षता, यानी कि कितनी आप दक्ष हैं, क्षमता है वो वर्कर कितना बढ़ा दे रहा है, लेबर की जो क्षमता है। सेकंड कह रहा है सेविंग टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कमोडिटी। ठीक है भाई, आपके जब लेबर प्रोडक्टिव रहेंगे तो ऑब्वियस बात है कोई कमोडिटी आप तुरंत कम समय में उसका प्रोडक्शन कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है इन्वेंशन ऑफ बेटर मशीन एंड इक्विपमेंट। बिल्कुल सही बात है, जैसे मान लीजिए कि किसी इंजीनियर को आप सोसाइटी डिवीज़न ऑफ लेबर के हिसाब से बांटते हैं, वो इंजीनियर एक ही काम में, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन के काम में वो है, तो कंस्ट्रक्शन के काम में बार बार करेगा तो उसका भाई स्किल भी बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, जो इक्विपमेंट होंगे मशीन होंगे उसका बेटर यूज़ करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन के बारे में क्या कहते हैं। लिख रहा है इट इज़ पाइवट अराउंड विच द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिवॉल्व्स। यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इसी के अराउंड, यानी कैपिटल एक्यूमुलेशन के अराउंड घूम रहा है। और इसमें क्या क्या इन्होंने ऐड किया, ये देखिए, गुड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्टिव वर्कर्स, एंड सेकेंड जो है गुड फॉर हेल्पिंग द वर्कर इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। कहने का मतलब कि जो गुड्स है आपका, जो प्रोडक्टिव वर्कर हैं, जो स्किल्ड लेबर हैं, उनको जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, उसका उन्होंने कैपिटल स्टॉक में इंक्लूड किया है। और दूसरा कि द गुड्स फॉर हेल्पिंग द वर्कर इन देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी कि रॉ मटेरियल जो होंगे, यानी कि जो इंजीनियर को एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें कि क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ये सब हो गया, इसकी ये बात कर रहा है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिख रहा है कि एडम स्मिथ डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉन कैपिटल सर्कुलेटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, ये क्या है। तो नॉन कैपिटल गुड्स रिफर टू दोज विच आर यूजफुल डायरेक्टली एंड इमीडिएटली टू देयर ओनर, यानी नॉन कैपिटल वो गुड है जो कि डायरेक्टली यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो आपके उसमें किसी और मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, बस वो तुरंत आपने लगाया और उससे उसका प्रोडक्शन हो गया। फिर फिक्स्ड कैपिटल में कह रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल रिफर टू दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस विदाउट चेंजिंग हैंड्स। फिर आगे देखते हैं कि रिगार्डिंग रोल ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नेगेटिवली सप्लाई कर्व ऑफ कैपिटल इंप्लाइंग डेट सप्लाई ऑफ कैपिटल इंक्रीज इन डिक्लाइन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी इसके कहने का मतलब कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम रहेगा तो सप्लाई जो है कैपिटल का वो बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे तो बैंक से लोन लेंगे, लोन लेंगे तो आप कैपिटल एक्यूमुलेट कर पाएंगे क्योंकि वो आपको कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको लोन अगर मिल जा रहा है कम इंटरेस्ट पे तो आप ज़्यादा कैपिटल को लगाएंगे अपने प्रोडक्शन में और उससे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर एजेंट्स ऑफ ग्रोथ। देखिए ये फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये क्वेश्चन देखिए आया भी हुआ है कि इसमें एडम स्मिथ के हिसाब से एजेंट ऑफ ग्रोथ में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो जिसमें पहला है फार्मर, दूसरा प्रोड्यूसर एंड तीसरा बिजनेसमैन। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक है नहीं तो आप इसको बस किसी तरह बाई हार्ट करिए। फिर अगला पॉइंट बोल रहा है इट वॉज फ्री ट्रेड इंटरप्राइज एंड कंपटीशन डेट लेड फार्मर प्रोड्यूसर एंड बिजनेसमैन टू एक्सपेंड द मार्केट एंड विच इन टर्न मेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड। अच्छा देखिए ये पॉइंट जो है समझने लायक है, इसमें कह रहा है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मतलब कि इसमें कोई टैरिफ नहीं, कोई कोटा नहीं, और वो जो है कंपटीशन भी होना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे से कंपीट करेंगे तो क्या होगा, कंपीट करेंगे तो मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहेंगे कि किसी प्रोडक्शन का दो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें ये होगा ना कि कौन कम इनपुट में ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है या कौन ज़्यादा स्किल्ड लेबर यूज़ कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने इस कम्पटिटिव प्रोडक्शन की बात की है कि अगर कंपटीशन रहेगा तो वो जो है प्रोडक्शन के लिए बेस्ट होगा और वो आपको मार्केट को बढ़ाने में यानी एक्सपेंड करने में भी काम करेगा क्योंकि दोनों की होड़ लगी रहेगी अपना अपना मार्केट बनाने में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं और क्या है। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में पहला पॉइंट है कि क्यूमुलेटिव डिवीजन ऑफ लेबर मेड पॉसिबल बाय एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, इंक्रीज नेशनल इनकम एंड आउटपुट, विच इन टर्न फैसिलिट सेविंग एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इसमें कह रहा है कि डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि जो कंटिन्यूसली क्यूमुलेटिव डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब कि आप कंटिन्यूसली जो है आप
लेबर को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको कैपिटल एक्यूमुलेट भी होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि भाई स्किल्ड लेबर अगर किसी एक एक काम में ज़्यादा अपना समय देगा तो एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा तो प्रोडक्शन भी भाई उसका बढ़ेगा, क्योंकि आपका इनपुट कॉस्ट भी कम आएगा उससे, और उससे आप मार्केट को भी बढ़ा पाएंगे। तो जो पिछली वाली बात थी बस वही यहाँ पर रिपीट होगा, फिर इससे नेशनल इनकम बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सही बात है, डिवीज़न ऑफ लेबर रहेगा तो आपका बढ़ेगा ही, क्योंकि वो ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। हाँ, तो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे कि बट स्केयरसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डेट स्टॉप गोर्स ग्रोथ। तो देखिए इसमें स्केयरसिटी कह रहा है, स्केयरसिटी मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो है कमी के कारण जो है ग्रोथ स्टॉप्स हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, द इकोनॉमी इन स्टेशनरी स्टेट इज कैरेक्टराइज बाई अनचेंज पॉपुलेशन, कॉन्स्टेंट टोटल इनकम, सब्सिस्टेंट वेज, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम, कंसिस्टेंट विद रिस्क एंड एबसेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यही बात है कि जब आपका नेचुरल रिसोर्सेज जो कमी हो जाएगी तो जो आपका इकोनॉमी जो होगा वो स्टेशनरी स्टेट में आ जाएगा, यानी कि कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ेगा। और उसका उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताया कि जिसमें कि आपका टोटल इनकम जो है होगा वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जो सब्सिस्टेंस वेज है यानी जो वेज लेवल है वो केवल आपके जीवन यापन तक ही सीमित रह जाएगा, और जो प्रॉफिट की जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि जो नेचुरल जब नेचुरल रिसोर्स जो स्केयर्स हो जाएंगे तो आपका इकोनॉमी जो है स्टेशनरी स्टेट में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये यही पूरी थ्योरी थी। अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको और कहीं दूसरे जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी इस थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने कोशिश किया है कि वो सारा यहाँ पे डिस्कस हो जाए। सो थैंक यू गाइस।